उर्दू खबर के मुअज्जिज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, इस दुनिया में बहुत से रंगो नस्ल की कौमें आबाद हैं, जिनके मजहब और अकायद एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ हैं। दुनिया में मौजूद कुछ मजाहिब तो इस कदर अजीबो गरीब हैं कि इन पर यकीन करने वालों और इन पर अपनी जिंदगियां और दौलत निछावर करने वालों की ज़हनी कैफियत के बारे में शकूक व शुभात पैदा होने लगते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसे ही मजाहिब के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। वैसे तो हमारा दीन यानी दीन इस्लाम दूसरों के मजहब का मजाक उड़ाने से मना करता है, लेकिन अगर कोई चीज बजाते खुद एक मजाक हो तो उसमें हमारा क्या कसूर। इसलिए मालूमात की गरज से ये वीडियो पेश की जा रही है। आपसे गुजारिश है कि इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले हम आपको पास्ता फारानिज्म के बारे में बताएंगे। आप सबने सवैया या फिर नूडल्स तो खाए ही होंगे, लेकिन क्या आप किसी ऐसे देवता के बारे में जानते हैं जो स्पगैटी यानी वो मटेरियल जिससे नूडल्स तैयार होते हैं का बना हुआ हो? जी हाँ, दुनिया में एक ऐसा मजहब भी पाया जाता है जिसके पैरोकार एक उड़ते हुए स्पगैटी देवता पर यकीन करते हैं। इन लोगों का मानना है कि आज से 5000 साल पहले इसी देवता ने इस दुनिया को तख्लीक किया था। पास्ता फारानिज्म कोई पुराना या कदीम मजहब नहीं है, बल्कि इसकी बुनियाद आज से 15 साल कबल अमेरिका में रखी गई थी, जिसका बानी बॉबी हैंडरसन नामी एक शराबी था, जिसने एक सोशल टेस्ट के दौरान इस मजहब की बुनियाद रखी। यह मजहब दुनिया के सब मजाहिब को रद्द करते हुए अपने अकायद को अजीम करार देता है। आप ये सोचते होंगे कि इस बेसरोपा मजहब को कौन मानेगा, लेकिन आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि इस मजहब के लाखों लोग पैरोकार हैं जो गाहे बगाए अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद करते रहते हैं। इनकी लोहे के बर्तन की तरह नजर आने वाली अजीबो गरीब टोपी इनकी सबसे बड़ी पहचान है, जिसे पहनकर ये लोग फखरिया अंदाज में घूमते हैं। दोस्तों, अब रुख करते हैं भारत का। भारतीय रियासत राजस्थान के एक गांव के मंदिर में एक पुरानी मोटरसाइकिल की पूजा की जाती है। ये गांव भारतीय शहर जोधपुर से 50 किलोमीटर के फासले पर वाके है। वाकया कुछ यूं है कि 23 दिसंबर 1988 को चोटीला के एक मुअज्जिज़ देहाती का बेटा ओम सिंह राठौर अपनी मोटरसाइकिल पर घर आ रहा था कि अचानक दरख्त से टकरा कर 20 फुट गहराई में जा गिरा और अगले दिन उसकी लाश मोटरसाइकिल के साथ मिल गई। गांव वालों का कहना है कि उस हादसे के बाद अजीबो गरीब वाकयात रूनुमा हुए। मोटरसाइकिल पुलिस स्टेशन लाई गई, जहां उसकी चैन उतार ली गई ताकि कोई इसे चोरी ना कर सके, लेकिन अगले ही रोज मोटरसाइकिल गायब हो गई और जाय हादसा से मिली। इस अजीबो गरीब वाके के बाद पुलिस ने मोटरसाइकिल ओम सिंह के घर वालों को वापिस कर दी, जिसे बाद अजां इसके खानदान ने एक शख्स को फरोख्त कर दिया। लेकिन यहां भी एक अजीबो गरीब वाकया पेश आया। एक बार फिर यह मोटरसाइकिल वहां से गायब हो गई और 400 किलोमीटर दूर दोबारा हादसे की जगह पर पाई गई। इस वाके के बाद नए मालिक ने भी इस मोटरसाइकिल को लेने से इनकार कर दिया। इन वाकयात के बाद लोगों ने मोटरसाइकिल से अजीबो गरीब दास्तानें मंसूब करके इसे अवतार का दर्जा दे दिया और एक छोटा मंदिर बनाकर इसकी पूजा शुरू कर दी और इसका नाम बुलेट बाबा मंदिर रख दिया। छोटे से मंदिर में मौजूद मोटरसाइकिल को हिफाजत के साथ शीशों के दरमियान बंद करके रखा गया है, जहां रोजाना राजस्थान भर से लोग आते हैं और इसकी पूजा करने के साथ साथ इस पर चढ़ावे भी चढ़ाते हैं। यहां से गुजरने वाले ड्राइवर अक्सर अपनी गाड़ी रोककर मंदिर आते हैं। उनका यकीन है कि इस तरह ओम सिंह और इसकी मोटरसाइकिल हादसात से इनकी हिफाजत करेगी। इस बेतुके अकीदे के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। नाज़रीन ग्रामी, अब हम आपको जेडीज़म के बारे में बताएंगे। जेडीज़म को हॉलीवुड की फिल्म सीरीज स्टार वार्स में जेडी के किरदार से मुतासिर होकर तश्कील दिया गया। जेडीज़म को उस वक्त शोहरत मिलना शुरू हुई जब 2001 में होने वाली मर्दमशुमारी में चंद अफराद ने अपने मजहब के खाने में जेडी लिखा। 2011 में मर्दमशुमारी के मुताबिक खुद को जेडी कहलाने वालों की तादाद 1,77,000 हो चुकी थी। बरतानवी कमीशन जेडीज़म को मजहब के तौर पर तस्लीम करने से इनकार कर चुका है। चैरिटी कमीशन फॉर इंग्लैंड एंड वेल्स के फैसले के मुताबिक टेंपल ऑफ द जेडी आर्डर कोई बाजाबता मजहब नहीं है। कमीशन का कहना है कि यह मजहबी ग्रुप स्टार वार फिल्मों से मुतासिर होकर तश्कील दिया गया है और इसे मुनज्जम मजहब के तौर पर फ्लाई स्टेटस नहीं दिया जा सकता। टेम्पल ऑफ द जेडी आर्डर ने खुद को चैरिटी के तौर पर रजिस्टर करने की दरखास्त दी थी, लेकिन कमीशन ने इसकी यह दरखास्त मुस्तरद कर दी। टेम्पल ऑफ जेडी आर्डर की वेबसाइट के मुताबिक
इस मजहब के मानने वालों का स्टार वार फिल्म जॉर्ज लुकास या डिज्नी से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही जेडीइज्म के मानने वाले स्टार वार्स के शौकीन हैं। नाज़रीन ग्रामी, मैक्सिको और वस्ती अमेरिका में एक नया मजहब तेजी से परवान चढ़ रहा है जिसमें लोग मौत की देवी सेंटा मोर्टे की पूजा करते हैं और अब तक इसके पुजारियों की तादाद 1 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। हालिया बरसों में तेजी से मकबूल होने वाले इस अजीब मजहबी रुझान की जड़ें उस तक तहजीब की देवी मैक्टिका स्यूट का दूसरा रूप है जिसे मौत की देवी भी कहा जाता रहा, जो अब सेंटा मोर्टे के नाम से मशहूर है। हर साल अगस्त में इसका त्यौहार मनाया जाता है जिसमें मैक्टा स्यूट की जगह सेंटा मोर्टे को एक खातून के मुजस्मे की शक्ल में पेश किया जाता है और लोग इसे उठाकर सड़कों पर गश्त करते हैं। सेंटा मोर्टे की आड़ में पुजारी हकीकतन मौत की पूजा करते हैं और इनका कहना है कि इस तरह खुद मौत का खौफ भी जाता रहता है। दूसरी जानिब मसीही हलकों की जानिब से इस तर्ज फिक्र की शदीद मुजम्मत की गई है और इसे अपने मजहब के खिलाफ करार दिया गया है। कैथोलिक न्यूज एजेंसी की एक खबर में इसे गैर मुकद्दस और जरायम से भरपूर रविश करार दिया गया था, लेकिन दूसरी जानिब इस मजहब की शोहरत बढ़ती जा रही है और मुआशरे के गरीब और नजरअंदाज करदा तबकों में इसकी मकबूलियत इंतहाई आम हो चुकी है। मुआज़िज साथियों, साइंटोलॉजी या साइंस मत मजहबी अकायद व मामूलात का मजमू है जिसका आगाज अमरीकी मुसन्निफ एल रोन हेबर्ड ने 1952 में किया। हेबर्ड ने इब्तदाई तौर पर तसव्वुरात का एक प्रोग्राम तरतीब दिया जिसे डायनेटिक्स का नाम दिया गया। इस प्रोग्राम को डायनेटिक्स फाउंडेशन की जानिब से तकसीम किया गया। फाउंडेशन बहुत जल्दी वालिया हो गई और हेबर्ड बुनियादी इशात के हकूक से महरूम हो गए। उन्होंने इस मौजू को मजहब के तौर पर नई शक्ल दी और इसको साइंटोलॉजी के तौर पर नया नाम दिया और इस हवाले से इस्तिला नजरियात ई मीटर और अमले तनकी या ऑडिटिंग को राइज किया। एक बरस के अंदर ही इन्होंने डायनेटिक्स के हकूक हासिल कर लिए और दोनों मौजूआत की चर्च ऑफ साइंटोलॉजी की छतरी तले आबियारी की। हेबर्ड के ग्रहों को मजहमत और तनाजात का सामना है। जनवरी 1951 में न्यू जर्सी बोर्ड ऑफ मेडिकल एग्जामिनर्स ने डायनेटिक्स फाउंडेशन के खिलाफ कानूनी चारा जारी की थी जिसमें लाइसेंस के बगैर तिब्बी अद्वियात की तालीम देने का इल्जाम था। हेबर्ड के पैरोकार मुजरिमाना तौर पर अमरीकी हकूमत के राजों तक रसाई में मुलव्वस रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, शायद आप इस बात से नावाकिफ हों कि नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडू में 3 साल की एक बच्ची को जिंदा देवी की हैसियत दी गई है। नेपाल की रिवायत के मुताबिक पुजारियों ने 3 साल बच्ची को देवी करार दिया और इसे खटमंडू के तारीखी दरबार में भेज दिया। आपको बताते चलें कि ऐसी देवियों की उस वक्त तक पूजा होती है जब तक वो बालिग ना हो जाए। इन देवियों को कुमारी कहा जाता है। लाल साड़ी में मलबूस 3 साल बच्ची तृष्णा शाकिया को उनके घर से कदीमी दरबार ले जाया जाता है जहां उनकी रिवायती तौर पर पूजा की जाती है और अब ये जिंदा देवी की हैसियत से कदीमी दरबार में मखसूस निगहदाश्त में रखी जा रही है। इस बच्ची को जलूस की शक्ल में घर से दरबार तक ले जाया जाता है और बच्ची के अहले खाना इसके साथ होते हैं। रिवायत के मुताबिक तृष्णा उस वक्त तक कुमारी रहेगी जब तक वो बालिग ना हो जाए। जी तो उर्दू कवर के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगेबान।